करोड़ीमल नगर के आजाद चौक एसबीआई के एटीएम में पैसा डालने गए वाहन के गार्ड और ड्राइवर के ऊपर अज्ञात बाइक सवार दो व्यक्तियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर लूट लिए पैसे। शहर में दिन दहाड़े गोली चलने की घटना घटित हुई है। खबर है कि लूट की ये घटना करोड़ीमल नगर के आजाद चौक में घटी है, जहां एसबीआई के एटीएम में पैसा डालने गए वाहन के गार्ड और ड्राइवर के ऊपर किसी दो अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों ने फायरिंग की है। फायरिंग में ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि डकैतों ने घटना के दौरान पिकअप में 13 लाख रुपए लूट लिए हैं। घटना के बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस के द्वारा घटना के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। बहरहाल दिन दहाड़े गोली चलने की घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए हैं। घटनास्थल पर खड़े प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एटीएम में पैसे डालने के दौरान ये घटना कारित की गई है। यहां डकैतों ने 4 से 6 राउंड गोलियां भी चलाई। इसके बाद वैन में रखे लूट के पैसे लेकर बाइक सवार डकैत फरार हो गए, जिनकी तलाशी के लिए पुलिस टीम रवाना की गई है। साथ ही जिले के सभी मुख्य मार्गों को सील कर दिया गया है। वहीं घटनास्थल पर थोड़ी ही देर बाद कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल पहुंच गए। उन्होंने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना किया, साथ ही स्पष्ट किया कि लूट की घटना में मृत ड्राइवर के परिजनों की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बोलिए तकरीबन 2 बजे के आसपास तकरीबन 2 बजे के आसपास रायगढ़ के करोड़ीमल नगर के जो एटीएम में वहाँ के जो एटीएम में पैसा डालने के लिए 4 लोग आए हुए, जिसमें से 2 व्यक्ति अंदर, उसी बीच में 2 बाइक सवार आए। बाइक सवार मास्क लगाए हुए थे, चेहरे को ढके हुए, उसमें से 2 लोग अंदर को गोली चला के अंदर के लोगों को डराए। बाहर के जो गनमैन था और जो ड्राइवर था जो उसको गोली मारे, जिसमें से जो वाहन चालक है उसको घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई है। दूसरा एक व्यक्ति जो हॉस्पिटलाइज किया गया है जो घायल है, और जो कंपनी के लोगों के कहन अनुसार इसमें तकरीबन उस बैग में 13 लाख रुपये के आसपास गाड़ी गाड़ी चल रहा है, उसको दोनों जो लुटेरे हैं वो उसको लूट कर ले गए हैं। और ये उनके द्वारा एक हथियार जो यूज़ किया गया था उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कितने राउंड फायर किया था जानकारी अभी उसमें तहकीक कर रहे हैं, तो बाकी जगह पर हम लोग लगातार उसको चेकिंग कर रहे हैं। अभी तक की स्थिति में जो है उसमें 2 फायर को निश्चित रूप से पता चल पा रहा है, और 2 फायर जो टीम के अंदर जो लोगों को डराने के लिए किए थे, तो 4 फायर फिलहाल अभी तक पता होने के लिए क्या प्रयास किया अभी सभी अलग अलग टीम बांटी गई है। पूरे शहर में जिले में नाकाबंदी किया गया है, साथ में जितने भी हम लोग बॉर्डर के जो उड़ीसा बॉर्डर के सारे थानों को काम कर दिए हैं, और सरहदी जितने भी हमारे जो राज्य के जो जिले हैं वहाँ भी उनको कवर कर दिए हैं, क्योंकि मोटा मोटा होलिए के हिसाब से नाकाबंदी लगाया गया है। जितने भी सीसीटीवी फुटेज है और साइबर की मदद ली जा रही है, और अलग अलग टीमों करीब 5 टीम उसमें रवाना किया गया है, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी खुला। क्या लगता है बाहरी गेंद कहाँ पर? अभी तक की जो स्थिति मॉडल सुप्रिंटेंस के हिसाब से जो चीज़ें लग रही है बाहर कहीं प्रतीक हो रहा है, फिर भी हम बाकी चीज़ों में इस पर काम कर रहे हैं। बगल में सर सैलून है, सैलून में भी इस तरह के जो लोग गए थे गार्ड वहाँ पर उसमें जब जांच के बाद ही स्पष्ट हो। थैंक यू।